वेरी गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकेंड. सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर चैप्टर नंबर 4, दैट इज शब्द और वाक्य. ठीक है, हम देखेंगे क्या है इसमें शब्द और वाक्य. जैसे कि आप जानते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं. ठीक है, शब्दों के सार्थक मेल मतलब शब्द वर्णों का ऐसा मिलान जिससे कोई अर्थ बनता हो उसे हम शब्द कहते हैं. जैसे कि आप देख पा रहे हैं नीचे के चित्रों में तितली लिखा है. ठीक है, तो शब्दों अक्षरों को सही तरीके से लगाया है तभी वो शब्द बना है. ठीक है, रेडियो में र ए फिर डी प्लस यो तो रेडियो बना है, फिर हाथी है. ठीक है, उसी के नीचे हम देखेंगे कि शब्दों अक्षरों को क्या करा है, आगे पीछे करके लिखा है. ठीक है, तो जिस वजह से कि शब्द जो है उसका कोई मतलब नहीं बनता. जैसे कि लित लिखा है और यो रेडी थीहा लिखा है, तो इन सब का कोई मतलब नहीं बनता, तो ये गलत है. ठीक है, उसके बाद पहचानिए और सही निशान लगाइए. यहाँ पर आपको सही शब्द पर सही का निशान लगाना. जैसे आप देख पा रहे हैं औरत में आप सभी ने लगाया, औरत में. ठीक है, उसके बाद दूसरे में क्या है, रानी है ना, रानी पे लगाएंगे निशान. उसके बाद क्या है, बैल है. ठीक है, बैल पे लगाएंगे निशान. लगा लिया सबने. अगला देखेंगे हम लोग परिभाषा. ठीक है, अब हम देखेंगे वाक्य क्या होते हैं. ठीक है, अभी तक वाक्य कैसे बनते हैं, परिभाषा है इसकी. शब्दों का वह समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ हो उसे वाक्य कहते हैं. ठीक है, शब्दों का वह समूह जैसे कि तितली हाथी औरत ये सब क्या शब्द हो गए हैं ना, इन सभी से मिला करके हमने वाक्य बनाते हैं. ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पहला देखिए क्या लिखा है वाक्य, सीता नाच रही है. ठीक है, तो सीता और नाच रही है ये सब क्या शब्द हैं. ठीक है, तो शब्दों के समूह से वाक्य बनते हैं, है ना, शब्दों के समूह से वाक्य बनते हैं. दूसरा में क्या है, बच्चा रो रहा है, तो इसमें चार आपके क्या हो गए शब्द हो गए, है ना, बच्चा रो रहा है, तो ये क्या बन गया आपका वाक्य बन गया, चार शब्दों से मिलके बना. उसके बाद है तीसरा, मोहन लिख रहा है, चार शब्द हैं, चार शब्द से मिलके वाक्य आपके बने हैं, मोहन लिख रहा है. समझ में आया. अगर ये देखिए उसके बाद नीचे वाला देखेंगे, रही है चिड़िया उड़. ठीक है, तो ये वाक्य उचित नहीं है, ये वाक्य गलत हो जाएगा आपका. ठीक है, वाक्य आपका शब्द है, ये शब्दों का जो रखाव हो रहा है वो सही नहीं है, सही क्रम में नहीं रखे गए हैं. तो इसका सही क्रम क्या होगा, चिड़िया उड़ रही है ना. ठीक है, चिड़िया उड़ रही है आपका सार्थक वाक्य बनेगा. ठीक है, उसके बाद देखेंगे नीचे देखिए, आइए कुछ और वाक्यों पर ध्यान देंगे. सुमित और अमित खाना खा रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर कितने शब्द हैं जरा बताइए गिनके मुझे. सुमित और अमित खाना खा रहे हैं, 7 शब्द हैं, है ना, यहाँ पर 7 शब्द हैं, तो 7 शब्द से मिलके आपके वाक्य बने. ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए, नीचे आपके कुछ वाक्य दिए हुए हैं, आपको यहाँ पर उसके बगल में लिखना है. ठीक है, कि वो वाक्य कितने शब्दों से मिलके बना है. पहला है आपका, मछली पानी में तैर रही है, तो यहाँ पर 6 शब्द हैं ना, 6 शब्द हैं, उसके बाद वाले में आप अपने आप करेंगे. ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम. ठीक है, यहाँ पर आपको साथ में मेरे साथ दोहराना है, वर्णों के मेल से अनेक शब्द बनते हैं, सार्थक वर्ण समूह से शब्द और सार्थक शब्द समूह से वाक्य बनते हैं. ठीक है, वाक्यों के संयोग से ही भाषा बनती है और हम आपसी बोलचाल में शब्द और वाक्यों का ही प्रयोग करते हैं. ठीक है, ये सारे प्रश्न उत्तर के आपके यहाँ पर ये आंसर लिखे हुए हैं, ये वाले यहाँ से देख करके आप अपने प्रश्न उत्तर में करेंगे. देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पहला है प्रश्न आपका, सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं, फिर सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, निम्नलिखित में से सार्थक वर्ण समूह कौन सा है, तो आपका ये कमल होगा. ठीक है, उसके बाद है यहाँ से देख करके आप इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, वाक्यों के संयोग से ही भाषा बनती है, वर्णों के मेल से अनेक शब्द बनते हैं, अमरूद एक सार्थक शब्द है, शब्दों के उचित स्थान पर प्रयोग न करने से वाक्य गलत हो जाता है. ठीक है, उसके बाद है ये वाला सेंटेंस आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो इसमें 2 गलत है, बीच वाला सही है. ठीक है, प्रश्न उत्तर आप देख पा रहे होंगे, हम आपसी बोलचाल में किसका प्रयोग करते हैं, तो हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, और यहाँ से आप इसका आंसर कंटिन्यू करेंगे, हम आपसी बोलचाल में शब्द और वाक्यों का ही प्रयोग करते हैं. ठीक है, उसके आगे आप लिखेंगे ये वाली लाइन, ये पूरी लाइन जो आपकी दिखी हुई है. थैंक यू सो मच एवरीवन.